हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कि आपका खान पीन भी आपके फाइब्रॉइड्स पे असर डालता है। जो भी मेरी फीमेल पेशेंट्स हैं उनका एक क्वेश्चन रहता है कि मैम आप हमारी डाइट रिस्ट्रिक्ट क्यों कराती हो, आप इतने सारे परहेज क्यों कराते हैं। तो मैं इतने सारे परहेज अपने ट्रीटमेंट के दौरान इसलिए कराती हूँ कि जो आप खाते हो, जो आपका डाइट है, वो भी आपके फाइब्रॉइड्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। और वो कैसे करता है यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जो आपका फाइब्रॉइड्स है, फाइब्रॉइड्स डायरेक्ट लिंक होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन से। महिलाओं के शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको ईस्ट्रोजन बोला जाता है। ईस्ट्रोजन तीन जगह से आपका सीक्रेट होता है। फर्स्ट ओवरीज आपकी सीक्रेट करेगी, सेकंड आपका एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करेगा, थर्ड आपके जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू मतलब जो आपकी फैट है, जो आपकी चर्बी है, उसकी सेल सीक्रेट करती है। अगर आप ऐसा खाना खाती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है, जंक फूड है, हाई इन कैलोरीज है, तो वो खाना, वो डाइट आपके एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं उसको बढ़ाता है। अगर आपका एडिपोज टिश्यू बढ़ेगा तो उससे क्या होता है कि आपका जो ईस्ट्रोजन है वो उसका लेवल बढ़ने लगता है, और साथ ही में ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो आपके फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर किसी महिला को फाइब्रॉइड्स ऑलरेडी है तो अगर वो डाइट अच्छे से नहीं लेती है या फिर जंक फूड ज़्यादा लेती है और उनके ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो रहा है, उनको रिपोर्ट में मालूम चला है, तो उनका जो फाइब्रॉइड है उसकी जो कंडीशन है और ज़्यादा वर्स हो सकती है। ये हुई बात कि आपका जो डाइट है वो आपके फाइब्रॉइड से कैसे लिंक होता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है एक साइंटिफिक स्टडी है, जो साइंटिफिक रिसर्च की गई है कि आपकी जो डाइट है वो कैसे रिलेटेड होती है फाइब्रॉइड से, कि हम आपको क्यों रिस्ट्रिक्शन इतनी सारी कराई जाती है कि आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको हाई कैलोरीज फूड नहीं खाना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना है, या फिर आपको मीट नहीं खानी है, रेड मीट स्पेशली आपको नहीं खानी है। तो ये होता है रीज़न कि आपको हम क्यों ये सारे सजेशन देते हैं। सो आई होप ये जो आपको मैंने रिसर्च बताई है इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी और आपको थोड़ा और क्लेरिफिकेशन हो गया होगा कि आपको और ज़्यादा डाइट में रेगुलेशन क्यों करना है, जिससे आप अपने फाइब्रॉइड्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और ज़्यादा वर्स होने वाली कंडीशन से उसको रोक पाएंगे। थैंक यू।